नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में और राकेश। खबर राजधानी पटना जिले से आई है, जहां पर सीबीआई का फर्जी अफसर का आईडी कार्ड बनाकर ठगी की घटना को अंजाम देने वाले ईरानी गैंग का एक सदस्य पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं उसके तीन साथी भाग निकलने में कामयाब रहे। पुलिस हाथ आए ठग से पूछताछ लगातार जारी है और उसके बाकी साथियों की जानकारी लेने में जुटी है। बताया जा रहा है कि शातिर ठग महिलाओं के जेवर ठगने वाले गिरोह का है। आपको ये भी बता दें कि पटना के गांधी मैदान थाना के पुलिस ने फर्जी सीबीआई अफसर को अपने गिरफ्त में लिया है। उसके साथ तीन और भी साथी थे जो फरार होने में कामयाब रहे। गांधी मैदान थाना प्रभारी रंजीत वत्स ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिससे ये ठग रंगे हाथ ठगी की घटना को अंजाम देते वक्त पकड़ा गया। आरोपित हैदर अली मध्य प्रदेश के पिपरिया का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने सोने की कई नकली जेवरात, नकली स्टोन रत्न, एक ही नंबर की दो बाइक, मोबाइल और 26,000 रुपये नकद के साथ सीबीआई के नकली कार्ड, आधार कार्ड और डिजिटल नापतौल की मशीन भी जब्त की है। पास जाकर और उनका गहना वगैरह ठग लिया करता है और या रुपया ठग लिया करता है और गायब हो जाता है। क्या कुछ बरामदगी हुई है आपके पास? इसके पास लगभग 26,000 रुपये, जिसमें 500 के 32 नोट, 16 नोट ऊपर और 16 नोट नीचे और बीच में 100 का 100 नोट, इस तरह से उन्होंने रखा हुआ था। और पत्थर, इमिटेशन वाला पत्थर जो ज्योतिषी के कार्य में आता है और महंगा समझा जाता है, वो नकली पत्थर उन्होंने रखा हुआ है। इसके बाद इनके पास सोने की चूड़ी जैसे नकली चूड़ियाँ रखी हुई है। फर्जी जो कार्ड वो सीबीआई का है, आखिर उसका इस्तेमाल बचने के लिए करता था वो? ये इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो इसे बचने के लिए, कभी दिखा के बचने के लिए, कभी दिखा के ठगने के लिए, इस तरह से वो करता होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो पटना में फर्जी सीबीआई अफसर को गिरफ्तार करने के बाद जो मामला है काफी कौतूहल विषय बना हुआ है। और ये जो गैंग है महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। हालांकि इस गैंग के तीन और लोगों की तलाश लगातार जारी है। पकड़े गए एक आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जल्दी और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।